नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव कुमार प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी, हमने उसमें जो बात की थी चंद वंश के शासकों में, हमने प्रमल चंद की बात की थी और उसके बाद 50वें शासक जो बांच चंद हुए हैं, बांच बहादुर हुए हैं, हमने बांच बहादुर के बारे में बात की थी। थोड़ा बहुत हमने वहां पर बताया था कि किस तरीके से उन्होंने तराई वाले क्षेत्र को अपने वाले राज्य में मिलाया और उसके बाद तराई वाला क्षेत्र दोबारा से औरंगजेब के पास चले जाता है और औरंगजेब से दोबारा से वो कैसे लिया जाता है, हमने इस पर बात की थी। अब हमने उस वीडियो में बताया था कि अभी तराई का प्रबंध कैसे करेंगे, यानी कि तराई का क्षेत्र आपने देखा होगा। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें गलती से जो मैंने लिखा हुआ है वो आपका 1555 लिखा हुआ है, वो 1555 नहीं, वो आपका कौन सा है, 1654 और 1655 है। अब ये टाइम पीरियड के हिसाब से तो आप भी अनुमान लगा सकते हो, वो फ्लो में थोड़ा 1500 निकल गया। तो आप इसको जरूर याद रखना कि जो तराई वाला जो सबसे पहला क्षेत्र था ये 1600 आपके 54 और 1655 के बीच की बात है, जब शाहजहां गढ़वाल में जो युद्ध की तैयारी कर रहा था ये उसकी बात थी। अब यहाँ पर जो तराई वाला क्षेत्र है वो बार बार उसके हाथों से निकल जा रहा है। जैसे सबसे पहले तराई वाला क्षेत्र कब आया था आपके 1654 में, 1654 या 55 में आया था। उसके बाद जो सुलेमान सिंह को जब यहाँ पर आया, उत्तराधिकार का जब युद्ध चल रहा था 1658 के आसपास में, तब आपके सुलेमान सिंह को यहाँ आए तो तराई वाला क्षेत्र इसके हाथों से निकल गया। यानी कि पहले तराई वाला क्षेत्र 54 में प्राप्त किया, उसके बाद 58 में प्राप्त किया। अब यहाँ पर क्या है कि इसी में अब याद रखना, एक व्यक्ति है, एक लेखक है जिनका नाम आपका जदुनाथ सरकार है, जदुनाथ सरकार, और उन्होंने किताब लिखी है, उस किताब का नाम औरंगजेब है, औरंगजेब। अब याद रखना औरंग, हाँ औरंगजेब, यहां पर औरंगजेब नामक किताब लिखी हुई है। अब इसी किताब में जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, जो हमने बोला कि तराई वाला क्षेत्र कभी इसके पास आ रहा है कभी इसके हाथों से निकल जा रहा है, तो इन सब का जो उल्लेख किया है वो जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब औरंगजेब में कर रखा है। और अब वो ये लिखते हैं कि जो आपके कौन थे, जो आपके बाज बहादुर थे, उनके समय में जो आपका 1665 में क्या हुआ था कि औरंगजेब ने फिर से तराई पर आक्रमण कर दिया और तराई पर अपनी सेना भेज दी। यानी कि जो आपके जदुनाथ सरकार हैं, यानी कि जदुनाथ सरकार जो है उनकी किताब औरंगजेब है, उसके अनुसार वो बोलते हैं कि 1665 में जो आपका औरंगजेब था, औरंगजेब ने इस तराई वाले क्षेत्र में फिर से आक्रमण कर लिया। और यानी कि किसका अधिकार हो गया, 1665 में आपके तराई पर आपके औरंगजेब का अधिकार फिर से हो गया। इसके बाद क्या था, अब यहाँ पर उसने अक्टूबर लगभग 1665 में, अक्टूबर 1665 में ही उसने यहाँ पर अपनी शाही जो शासन व्यवस्था है वो यहाँ पर लागू कर दी। यानी कि फिर से तराई वाला क्षेत्र बाज बहादुर के हाथों से निकल गया है। हम सिर्फ ये इसमें बताना चाह रहे हैं कि तराई वाले क्षेत्र का प्रबंध वो किस तरीके से करने वाले हैं। पहले अगर आप इसको समझ गए तो उसके प्रबंध को समझ जाओगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ी कि उसने बाज पुर बसाया और आपका जो बराखेड़ा वाला क्षेत्र है वो बसाया। तो अभी आप इस चीज को याद रखेंगे, ये इसमें क्या था, उसने 1665 अक्टूबर में अपनी शाही सेना वहां पर रख दी। और यहाँ पर क्या था, अब शाही सेना से बोला गया कि जैसे आपका दिल्ली में दरबार चल रहा है, जैसे दिल्ली का शासन चल रहा है, उसी तरीके से आप तराई पर भी शासन कीजिए। लेकिन अब यहां पर क्या कहा जाता है कि तराई वाला जो क्षेत्र था वो इतना आसान नहीं था औरंगजेब के लिए कि वहां पर वो शासन कर पाए, उसकी सेना के लिए कि वो यहां पर आपका क्या कर पाए, वो शासन किस पे कर पाए, तराई वाले भाग पर। अब इसीलिए औरंगजेब ने क्या किया, आपके 1666 में उसने यहां पर अब 200 अपने और सैनिक भेज दिए और यहां पर उनको 1 लाख रुपए का खर्चा भी दिया गया। यानी कि 1 लाख रुपए के साथ आपके 200 सैनिक भेजे गए। किताब में तो यह लिखा हुआ है कि जो 200 सैनिक थे उसके पत्थर तोड़ने वाले 200 सैनिक थे और उन्होंने यहां पर शासन की जो बागडोर थी वो आपके मई 1666 में संभाली। और इसके बाद अब वो क्या करने लगे, यहां पर शासन करने लग गया। अब यहां पर जब वो ये आक्रमण आपका कब कर रखा है, इस आक्रमण की बात कर रहे हैं, यानी कि जो ये आक्रमण कर रखा है इस
आक्रमण में जो औरंगजेब का पूरा साथ दिया है वो आपके गढ़वाल के नरेश ने दे रखा है, यानी कि वो गढ़वाल के जो नरेश हैं वो यहाँ पर किसके विरुद्ध है, कुमाऊं के विरुद्ध है, और वो मुगलों का साथ दे रहे हैं तरह वाले क्षेत्र में अधिकार करने के लिए। अब यहाँ पर क्या था, अब ये लिखा हुआ है कई किताबों में कि जो आपके गढ़वाल के राजा थे उन्होंने तो मुगलों का साथ दिया, लेकिन जो उनका भतीजा था उसने कुमाऊं के राजा बाज चंद का ही साथ देना अच्छा समझा, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जो आपके वो आपके गढ़वाल के शासक का जो भतीजा था उसका विवाह किससे हुआ था, आपके कुमाऊं के खानदान में हुआ था, इसी वजह से वो यहाँ पर इनका साथ दे रहा है। अब यहाँ पर मैं गढ़वाल के शासक के बारे में भी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर क्योंकि उनकी वंशावली के अनुसार अलग है और कई किताबों में गढ़वाल जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग दिया गया है, तो मैं वहां पर आपको क्लियर कर दूंगा कि वहां पर गढ़वाल का कौन सा शासक रहा होगा करके, तो अभी इस पे बात नहीं करेंगे। अब इसके बाद क्या था, यहां पर गढ़वाल के राजा ने इनका साथ दिया। अब यहां पर क्या था कि उस समय पर मैं आपको छोटी सी बात यहां पर बताता हूं, सबसे पहले आप इस कहानी को याद रखिएगा, मैं अभी आपको तिब्बत अभियान इसका जरूर बताऊंगा, उस तिब्बत अभियान में आप समझ जाओगे 1670 के आसपास की बात है। अब ये जो तिब्बत अभियान है और जो यहाँ पर आपका ये आपका कुमाऊं का राजा हो गया, क्या नाम हो गया, बाज चंद हो गया, और यहाँ पर आपका गढ़वाल हो गया। अब यहाँ पर क्या था कि जो कुमाऊं का राजा बाज बहादुर था इसने यहाँ पर आक्रमण कर दिया तिब्बत पे, और तिब्बत पे क्यों आक्रमण किया है अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे, और जैसे ही ये तिब्बत पहुंच गया तो गढ़वाल ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, यानी कि कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। बाद में ये बात बाज बहादुर को पता चलती है तो बाज बहादुर ने क्या किया, जब तिब्बत अभियान से लौटता है तो वो इस गढ़वाल पर भी आक्रमण कर देता है, और मैं इसी आक्रमण की कहानी अब आपको बताने जा रहा हूं। अब यहाँ पर क्या था कि इसी में जो आपका जो यहाँ पर गढ़वाली लोगों ने जो गढ़वाली राजा थे उन्होंने किसका साथ दिया है, मुगल का साथ दे रखा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो आपका पत्र लिखता है, वो आपके पत्र लिखता है बाज बहादुर, और किसको लिखता है, अली वर्दी खां को लिखता है, अली वर्दी खां को वो पत्र लिखता है। अब वो ये पत्र लिखता है कि जो आपके गढ़वाल के राजा ने जो भड़का रखा है कि आपके बाज बहादुर के पास बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा सोना है, मतलब उसके पास देखा जाए तो एक संपन्न राज्य आपका ये चंद्रवंश है उस कुमाऊं उस समय पर, ये मानना आपके किसका था, ये गढ़वाल के शासक ने ये औरंगजेब को बताया था, और औरंगजेब ने क्या किया था इसी वजह से यहां पर आक्रमण किया था इस तरह वाले क्षेत्र में इस कुमाऊं पर। अब लेकिन यहां पर जब राजा ने पत्र लिखा अलीवर्दी खां को तो उससे साफ साफ बोला कि वो जो आपने सुना है कि राजा के पास इतना पैसा है, उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, उसके पास यही तराय वाला क्षेत्र था जहां से उसे 9 लाख रुपए की आमदनी होती थी, इसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है। हाँ, उससे एक गलती जरूर यहां पर हुई है, उसने आपसे बिना पूछे उसने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, जो मैंने आपको बताया ना अभी जो तिब्बत पर अभियान की जो बात कर रहा था कि तिब्बत जो अभियान था उसमें उसने जब आते वक्त उसने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था, वो ये जरूर मानता है कि मैंने आक्रमण बिना पूछे आपसे किया है, मैं इसका जुर्माना देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास और कोई खजाना नहीं है, ये कहना आपका और बाज बहादुर का था, और किसको पत्र लिखा है, अलीवर्दी खां को पत्र लिख रखा है। अब यहां पर क्या था, बाद में अलीवर्दी खां ने इस पत्र को औरंगजेब के समक्ष पेश किया, औरंगजेब के सामने बात रखी गई, और आपके 1673 में यानी कि जो माफीनामा उसने लिखा था अलीवर्दी खां के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, अब उसको बाद में 1673 में क्या होता है, उसको माफी मिल जाती है, यानी कि अब तराई क्षेत्र उसको दोबारा से मिल गया। ये मैं केवल तराई क्षेत्र की बात आपको बताना चाह रहा था कि तराई वाला क्षेत्र 73 में उसके बाद फिर से आ गया। अब उसको ऐसा लगने लग गया, उसने कहा यार तराई वाला क्षेत्र जितने बार भी मेरे पास आ रहा है किसी न किसी कारणों से मुगल के पास ही चला जा रहा है, अब वहां पर प्रबंध किया जाए कि बाहर वाला कोई आक्रमण ना कर पाए, इसीलिए उसने क्या किया, उसने यहाँ पर आपका जो बांसपुर नामक जो शहर है, जो नगर है, उस नगर की स्थापना की, और अब उसने यहाँ पर अपने सैनिक रख दिए, उसने अपने बांसपुर शहर बसाया, अपने अधिकारी यहाँ पर रख दिए। वो अधिकारी क्या करते थे, वो अधिकारी आपके जो बांसपुर हो गया और जो रुद्रचंद्र द्वारा बसाया गया आपका रुद्रपुर हो गया, इसमें क्या करते
थे जाड़ों के समय पर, यानी कि जाड़ों का समय होता था तो वो यहाँ पर आते थे शासन करने के लिए, बासपुर और रुद्रपुर में रहते थे। अब जब गर्मियां होती थी तो गर्मियों के टाइम पर वो क्या करते थे, वो इस कोटा वाले क्षेत्र में जाएंगे जिसको आबाद आपका उद्योग चंद करेगा इसके बाद वाले शासक, और जो बड़ा खेड़ा है इस बड़ा खेड़ा वाले क्षेत्र में ये गर्मियों में आपके शासन करते थे। यानी कि बांझ बहादुर तो आपका अल्मोड़ा भी शासन कर रहा है, लेकिन उसके जो अधिकारी हैं वो जाड़ों में बांसपुर में रह रहे हैं, रुद्रपुर में रह रहे हैं, और गर्मियों में कोटा और आपके बराखेड़े वाले क्षेत्र में रह रहे हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में अभी चंद्रवंश के कई महल मिलते हैं, कई किले मिलते हैं, वो इसी वजह से मिलते हैं कि उसने जब अपने तराई का प्रबंध किया तो इस तरीके से उसने यहाँ पर अपने अधिकारी को नियुक्त किया। बस तो ये मेरा सिर्फ मकसद इतना था इसको पूरे कहानी को बताने का कि आप ये समझो कि उसने तराई का प्रबंध किस तरीके से किया और किस अभियान के बाद, यानी कि औरंगजेब ने जो 1665 में जो अपना अधिकार किया था उसके बाद अब तराई वाला क्षेत्र किसके हाथों में आ जाएगा, बांझ बहादुर चंद के हाथों में आ जाएगा। तो ये कहानी आप इसको जरूर याद रखना कि तराई का प्रबंध उसने किस तरीके से कर रखा है। अब यहाँ पर क्या था, वो बंदा आपके जो दिल्ली दरबार था उस दिल्ली दरबार में कई बार गया था, यानी कि बांझ जो बांज आपका था वो आपके शाहजहां के टाइम में भी गया था। अब हो सकता है वो औरंगजेब के समय में भी वहां पे गया हो। अब उसके दिमाग में एक बात ये आ गई, यार दिल्ली वालों का दरबार जो चलता है वो हमारे से अलग से चलता है, यानी कि बहुत अच्छे अनुशासन ढंग से चलता है। तो उसने भी इसी बात को यहाँ पर ठानी और उसने क्या किया, उसने यहाँ पर कई नियम बना दिए, और सबसे बड़ी बात ये थी उसने बंदोबस्त जो किया था वो बंदोबस्त उसने वही आपके जो आपके शक्ति गुसाई थे उन शक्ति गुसाई के ही आधार पर उसने अपने वहां पर बंदोबस्त भी कर दिया। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो इतिहास में इतिहासकार ने बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी कई इतिहासकार ऐसे लिखते हैं वो बोलते हैं कि उस समय पर जो जजिया नामक जो कर था ना वो कर औरंगजेब ने भी लगाया था, यानी कि सबसे पहले आपके अकबर आएंगे, अकबर इस जजिया कर को समाप्त कर देते हैं, औरंगजेब जब आते हैं ये अपना जजिया कर फिर से लगा देते हैं। तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो बांझ बहादुर चंद है, यानी कि जो बांझ चंद है वो अपने राज्य में क्या करते हैं वो जजिया नामक कर भी लगाते हैं इसी तरीके से, यानी कि औरंगजेब की तरह से। हो सकता है ये बात सच हो क्योंकि वो नकल करना चाहता था दिल्ली दरबार की तो यहाँ पर जजिया कर लगाया हो, लेकिन ये आपका लगभग जो है ये मान्य नहीं है, इसको माना नहीं जाता है। अगर क्वेश्चन बन गया तो आप जरूर याद रखना चंद्रवंश में जजिया कर लगाने वाला जो शासक रहेगा वो आपका बांझ चंद रहेगा। अभी इसको आप मैं पहले से आपको क्लियर कर देता हूं, इसके कोई प्रमाण नहीं है कि इसने जजिया कर लगाया ही था, क्योंकि इसके आने वाले जो वंशज है वो इस बात को हमेशा झूठा साबित करते हैं, बोलते हैं कि कभी जजिया कर नामक जो कर है वो लगा ही नहीं था। तो इस बात को याद रखना। अब इसके बाद क्या था, इस बंदे ने अब आक्रमण करने की इसने सोची, यानी कि जो आपका लोहबगढ़ है गढ़वाल में, एक आपका लोहबगढ़ है, दूसरा आपका वो बधाण वाला क्षेत्र है जिससे पहले से ये लड़ते हुए आ रहे हैं, बधाण वाला क्षेत्र हो गया और लोहबगढ़ हो गया, यहां पर इसने आक्रमण किया और यहां पर जो किला था वो जूनागढ़ का किला था, इस किले पर इसने अधिकार कर लिया। और इसके बाद जब ये इस किले पर अपने अधिकार कर लेता छीन लेता है तो इसके बाद क्या करता है, ये जो नंदा देवी की जो प्रतिमा है उस नंदा देवी की प्रतिमा को ये वहां से उठा लाता है और कहां रख देता है, अपने मल्ला महल में रख देता है, यानी कि जो वर्तमान में जो अल्मोड़ा में कचहरी है उस कचहरी में ये इस नंदा देवी की मूर्ति को रख देता है। अब आने वाले समय में जब हम ब्रिटिश काल पढ़ेंगे तो उसमें आपके लगभग 1815 के आसपास में एक कमिश्नर होते हैं, उनका नाम ट्रेल है, वो ट्रेल बाद में क्या करते हैं मल्ला महल से इस नंदा देवी की प्रतिमा को वर्तमान जगह में रख देते हैं, वर्तमान में नंदा देवी के मंदिर में ही अल्मोड़ा में, लेकिन 1816 से पहले नहीं था, 1816 से पहले वो मल्ला महल में था। हम इसकी कहानी अलग से बताएंगे कि ट्रेल ने और नंदा देवी की प्रतिमा कब और कहां गई हुई है, तो इसकी जानकारी हम बाद में लेंगे, लेकिन अभी आप समझेंगे कि बांझ बहादुर भी वो बंदा था जो नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से लेकर अपने मल्ला महल में रखा था। अब यहाँ पर ये तो हो गया नंदा देवी की प्रतिमा से जो क्वेश्चन आते हैं, अब यहाँ पर क्या है कि इस बंदे ने अब तिब्बत का जो तिब्बत अभियान है वो तिब्बत अभियान हम इससे पहले मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, अब हम इस तिब्बत अभियान की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या था, इस समय पर जो भी आपके मान सरोवर की जो यात्रा होती थी या आपके जो कैलाश यात्रा होती थी उस दौरान जो भी यात्री इस यात्रा में शामिल होते थे उनको बीच में क्या करते थे ना, जो हूण लोग होते थे वो हूण लोग उनको परेशान करते थे, यानी कि उनको लूटते थे।
इस बात पे राजा को बड़ा दुख होता था, तो राजा ने इस बात की ठान ली कि अब वो इन हूणों को परास्त करेंगे, तो इसी वजह से उन्होंने हूणों पर क्या कर दिया, हूणों पर उन्होंने आक्रमण कर दिया, याद रखना। अब ये इन्होंने यहाँ पर जब आपका तिब्बत में आक्रमण किया, जो ये आपका ताकल खाल है, ताकल खाल का जो किला है उस किले पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, यानी कि उस समय पर हूण इस ताकल खाल के किले के आसपास में रहते होंगे, तो यहाँ पर आपके इस बंदे ने आक्रमण कर दिया। और आज भी कहा जाता है जो ताकल खाल में जो भी दरारें पड़ी हुई ना इस किले में, ये वर्तमान में आज तक देखी जाती है, तो ये आपके तिब्बत अभियान में जो बांज बहादुर गया था उसी के सैनिकों को द्वारा पहुंचाई गई क्षति के ही इसमें आपके दरारें दिखती हैं। तो इस तरीके से इसने जो तिब्बत वाला एरिया था उस तिब्बत पे भी आक्रमण कर दिया। अब उस कहानी को याद रखना, ये लगभग 1670 की कहानी की मानी जाती है, और अब आप उस बात को समझ जाओगे कि जो ये तिब्बत के अभियान पर गया हुआ था और यहाँ पर कुमाऊं और यहाँ पर आपका गढ़वाल हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि कुमाऊं का राजा गया तो यहाँ गढ़वाल ने आक्रमण कर दिया, तो इस बंदे ने इस वाले क्षेत्र में आक्रमण किया, बाद में इस तिब्बत से आते वक्त ये अपना बदला लेता है, और इसी बदले की बात वो आपके औरंगजेब से कर रहा था कि मैंने बिना पूछे आपके गढ़वाल पर जो आक्रमण कर रखा है मैं उसका जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास खजाना नहीं है, वो इसी अभियान की बात कर रहा था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो तिब्बत अभियान है उस तिब्बत अभियान में क्या हुआ था। अगर हम इसको और ठीक से देखें तो इसी तिब्बत अभियान में एक महत्वपूर्ण घटना और घटती है, वो घटना है आपका इनका जो पुत्र है तिब्बत अभियान के दौरान ही उनका पुत्र जो उद्योत चंद है, उद्योत चंद की बगावत है। अब जैसे ही राजा तिब्बत पर गया है, तिब्बत के अभियान पर गया हुआ है, तो उद्योत चंद ने बगावत कर दी, बगावत यानी कि उसके दरबारियों ने उसको भड़काना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो अल्मोड़ा लौट के आया, कौन आपके बांज बहादुर अल्मोड़ा लौट के आया, तो उसको इस बात का पता लग गया कि उद्योत चंद को इन्होंने भड़का रखा है, तो ये बाद में विद्रोह कर सकता है, इसीलिए राजा ने उसका मन भटकाने के लिए आप ऐसा कह सकते हो उसको जिम्मेदारियां दे दी कि वो बंदा वहीं पर बिजी रहे और वो क्या कर सके, विद्रोही ना कर सके। उसने क्या किया, उसने राजा ने जो गंगोली वाला क्षेत्र था उस गंगोली वाले क्षेत्र के आसपास में जो भी क्षेत्र पड़ते थे, आपका सोर हो गया, आपका सीरा हो गया, आपका अस्कोट हो गया, अस्कोट भी आएगा, या आपका दारमा वाला क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर जो पूरे का भोट वाला क्षेत्र जो है, ये पूरे के पूरे क्षेत्रों का जो राजा बना दिया गया, जो युवराज घोषित किया गया, वो किसको बना दिया गया, उद्योत चंद को बना दिया गया। अब उद्योत चंद क्या करेगा, वहीं पर शासन करेगा। अब जब आपके 1678 में बांज बहादुर की मृत्यु होती है ना, तो उसी समय आपके ये गंगोली से आते हैं, उसके बाद इनको राजा बनाया जाता है। तो क्वेश्चन कई हिसाब से बन सकता है, क्योंकि आपने जब आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा तो उसमें आपने इल्तुतमिश पढ़ा होगा, उसमें क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि इल्तुतमिश राजा बनने से पहले कहां का गवर्नर था, अकबर पहले कहां का गवर्नर था, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो उद्योत चंद आपके कहां का राजा, उस समय पर आपके गंगोली का राजा है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो यानी कि उसके बगावत को शांत करने के लिए उसको कौन सा क्षेत्र दे दिया गया, पूरा गंगोली के आसपास जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं वो क्षेत्र दे दिए गए। अब इसके बाद ये गढ़वाल जो आपका पाली पछाव वाला क्षेत्र है वहां पर भी आक्रमण करता है, ये जो आपका पिंडारी वाला क्षेत्र है इस पिंडारी के रास्ते वो वहां पर आक्रमण करता है, वहां कोई विशेष ऐसी उपलब्धि है नहीं। तो लेकिन आप अब इसमें याद रखना कि जो आपका एक राजा होता है, जो आपका चितौना का एक राजा होगा, जो क्या करेगा ना, जो एक अपने लिए किला बना लेता है वो काल घाट का किला कहते हैं उसे, यानी कि काल घाट का किला कहा जाता है। यहां का जो आपका कहां का राजा था, चितौना का जो राजा था, उसने इस काल घाट में अपना एक किला बना दिया और स्वतंत्र घोषित हो गया। ये आपका चंपावत में जो आपका भीरमदेव मंडी है, यानी कि उसी के आसपास में कोई किला था जहां पर ये किला बनाया और उसने अपने को यहां पर राजा घोषित कर दिया, यानी कि ये बगावत इसकी होती है और राजा क्या करेगा, बाद में इसके विद्रोह को शांत कर देता है। तो एक अभियान आप ये भी याद रखना कि वहां पर इस जो चितौना का राजा था उसने अपना किला बना दिया, कालघाट का किला बोलते हैं, और बाद में राजा ने इसको भी यहां से परास्त कर दिया। अब यहां पर क्या है, राजा की अगर उपलब्धियों की बात करें तो राजा ने यहां पर कई मंदिरों का निर्माण भी करा रखा है। ये जो मंदिर है, जैसे आपका छाता वाले क्षेत्र में भीमेश्वर मंदिर आ जाता है, कई किताबों में लिखा है कि कटारमल के कुछ मंदिरों में छोटे छोटे मंदिर है वहां पर भी इसने अपना सहयोग दे रखा है, और जागेश्वर में तांबे की कई चीजें यहाँ पर चढ़वा रखी है। तो यानी कि इसने, और महारुद्र एक पाली वाले क्षेत्र में महारुद्र जो जो मंदिर है, महादेव देवालय है, उसका निर्माण भी आपके इसी ने कर रखा है।
तो ये वन लाइनर हम आपको नोट्स के द्वारा देंगे, और लेकिन अभी आप इसको याद रखना, अगर आप फिर बोलते हुए जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप ऐसी नोट्स बना रहे हो तो ये आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो यानी कि मंदिर भी इसने बनाए। अब देखिए ये बंदा मंदिर बना रहा है, ये बंदा आपके नॉलेज बना रहा है, तो कई चीजें यानी कि हर अब इतनी चीजें बना रहा था उसमें पैसा तो खर्च हो गया ही। अब यानी कि इसके खजाने में कमी आ गई, इस कारण से इसके खजाने में कमी आ गई, तो अब इसने क्या किया, जनता पर एक कर लगा दिया, वो कर आपका मांगा कर कहलाता है। यानी कि इसने अपनी जनता पर एक और कर लगा दिया, वो मांगा कर, यानी कि किसकी क्षतिपूर्ति के लिए, जो उसने पैसा खर्च कर रखा है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसने ये सब कुछ कर रखा है। अब एक चीज और याद रखना, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी और इससे पहले भी हमने बात कर रखी है कि जो चौसार का था, जो चौसार था, ये चौसार वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर धर्माकर तिवाड़ी जो रहते थे, इन्हीं की पत्नी ने यानी कि इन्होंने बाल बहादुर को पाल रखा है। तो जो इनका वास्तविक बेटा होता है उसका नाम आपका नारायण, नारायण चंद है, यानी कि सॉरी नारायण तिवारी, नारायण तिवारी कौन है, वो आपके धर्माकर के जो पुत्र है, वास्तविक पुत्र है। यानी कि धर्माकर ने तो उसको बांध बहादुर को केवल पाल रखा था, लेकिन उनका जो बेटा था वो नारायण तिवारी था। अब हमने आपको ध्यान चंद के उसमें श्री चंद की कहानी बताई होगी, तो ये धर्माकर तिवारी और नारायण तिवारी जो भी है ये उन्हीं के वंशज में आपके चलते हुए आ रहे हैं। अब इसने क्या किया, इस ये राजा क्या करता था, बांज बहादुर क्या करता था, इसको अपना बड़ा भाई ही मानता था, और उसको अपने दरबार में बुलाया, और अन्य ब्राह्मणों की भांति उसको भी सम्मान किसने दे रखा है, अपने भाई को बांज बहादुर ने भी दे रखा है। तो याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया कि धर्माकर तिवारी के का जो पुत्र का नाम था वो क्या था, वो आपके नारायण तिवारी था, लेकिन धर्माकर तिवारी ने आपके बांज बहादुर को भी क्या कर रखा है, पाल रखा है। अब ये था, ये तो था इसके शासनकाल की कुछ बातें जो इसने लगभग क्या किया था, एक अच्छे तरीके से शासन किया था। अब जनता इसके उस समय पर शांत थी, लेकिन अब इसके लिए कहावत बड़ी अच्छी कही गई है कि यहाँ पर इसके लिए जो कहा गया है ना, इसमें कहा गया है वर्ष उम्र भयो 80 बुद्धि गयो 90। मतलब कि आपके जब ये पहले टाइम पे तो सही राज कर रहा था, लेकिन जैसे ही बुढ़ा होने लग गया ना, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, यानी कि इसने कुछ ऐसे कार्य किए कि जनता इससे परेशान होगी, क्योंकि जब मरता है ना जनता सबसे ज्यादा खुश होती है, एक अन्यायी राजा मारा गया, इस तरीके से वर्ड उसमें होते हैं। तो अब इसने ऐसा क्या अन्याय भरा कार्य किया, हम उसकी बात बताएंगे। यहाँ पर आपके डल कोट पड़ेगा आपके इसी बारामंडल क्षेत्र में, यहाँ का एक कोई ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने इसको भड़काना शुरू कर दिया, बांज बहादुर को भड़काना शुरू कर दिया, उनसे कहा यार अपना आपका इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर तो आपके षड्यंत्र भी होते होंगे। षड्यंत्र उस टाइम पे इनको क्या कहा जाता था, चाला कहा जाता था, यानी कि षड्यंत्र चाला खूब रचे जाते होंगे, तो आप इनका ना समाधान कैसे कर दो कि कौन बंदा अच्छा है कौन बंदा बुरा है, तो इस कैसे इस बात को पता लगा दो। तो उस बात में आपका बांज बहादुर उससे बड़ा प्रभावित हुआ, यार उसने कहा ये तो आप सही कह रहे हो, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो अब ये जो डलकोटी है, इस डलकोटी ने बोला ठीक है मैं आपको आइडिया देता हूं, मैं आपको बताता हूं कि आप इसका निर्णय कैसे करोगे। तो इसमें जो निर्णय की बात की गई, चावल की जो पोटियां होती थी, पोटलियां होती थी, उसी के माध्यम से न्याय करता था। यानी कि अब यहाँ पर जो आपके पहाड़ों में अक्सर चलता ही है, जो बोलते हैं ना पूछ करने गए हैं, इनकी जो पूछ करते हैं, वो हमेशा ये बोलता था कि हम पूछ करके ही हम बताएंगे कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। इसी कारण से अब क्या हुआ, वो बंदा बांज बहादुर तो पूछ के चक्कर में लगा रहा, अब पूछ के चक्कर में यानी कि वो उस डलकोटी के कहने पर ही, ब्राह्मण के कहने पर ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर डलकोटी के जितने विरोधी थे ना, जो जिस को डलकोटी पर आपका पसंद नहीं करता था, उन सबको तो डलकोटी ने मरवा डाला, और अन्य जो भी कोई भी न्याय होता था तो उसमें पूजी की जाती थी, चावल रखे जाते थे और चावल को छूने की बात होती थी, इस तरीके से कई चीजें थी। तो यहाँ पर अब राजा उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारे निर्णय ही आपके इस पूछ से ही लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, हर बंदे की, मतलब जो बेकसूर था या गुनेगार जो भी होता था, वो इसमें बेकसूर भी मारा जाता था, जिससे वो सबकी आंखें निकलवा देता था। कई लोगों की तो उसने आंखें निकलवा दी, और कहा जाता है कि जो घड़े होते हैं ना पानी के, जो घड़े होते हैं उसमें तो 3-4 घड़े जो होते हैं वो इसने आंखों के भर दिए, यानी कि सबकी आंखें निकलवा देता था। यानी कि इतना अत्याचार ये इस समय पर करने लग गया था, इसीलिए जनता इससे अब डरने लग गई थी।
अब यहाँ पर क्या हुआ, इसी का एक ना आपके बारामंडल क्षेत्र में ही एक जगह और पड़ती है, उस जगह का नाम है बजेल गांव। इस बजेल गांव में इस बांझ बहादुर का एक अच्छा मित्र था, उसका नाम था सुंदर भंडारी, यानी कि सुंदर भंडारी उसका मित्र था। उसने इस बात पे, अब उसको इस बात का पता लगा कि राजा, अब क्या हो रहा है, प्रजा उससे नफरत कर रही है, तो उसको पता लगा यार वो तो आपके डर को ब्राह्मण के आपके प्रभाव में बहुत ज्यादा है। तो जब उसने मुलाकात की आपके बांझ बहादुर से सुंदर भंडारी ने, तब उसने उसको बोला कि जो भी पूजा आप कर रहे हो ना ये गलत है, इससे कभी भी कोई अच्छा निर्णय नहीं आता है। तो उसने कुछ ऐसे एग्जाम्पल उसे दिए होंगे जिससे अब बांझ बहादुर को पता लग गया कि जो डलकोटी है वो तो अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रखा है। उसने डलकोटी को यहां से भगा दिया, हो सकता है उसने इसको यहाँ पे मार दिया, और उसके बाद क्या था, उसके बाद उसकी आंखें खुल गई कि मैं ये पूज जो कर रहा हूं, मैं ये गलत काम कर रहा हूं, तो ये पूरा श्रेय जो जाता है वो आपके सुंदर भंडारी को जाता है। उसके बाद राजा ने कई अच्छे काम करने का प्रयास जरूर किया, जिसकी आंखें निकलवाई थी या किसी व्यक्ति को मारा था, तो उसको वो मुआवजा देने की बात तो करता था, मुआवजा तो दिया था, लेकिन जनता अब इससे बड़ा रुष्ट होने लग गई थी। तो कहते हैं कि जो आपके बुद्धि है इसकी आपकी इसी समय पर नष्ट हो रखी है, यानी कि वर्ष भयो 80 बुद्धि गयो 80, जो भी आपकी कहावत है या आपके इसी बात चंद के बारे में आपकी कही जाती है। और इसके बाद क्या था, इसके बाद आपके जो 1678 होगा, 1678 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र गंगोली से आ जाएंगे और उनको क्या करेंगे, राजा घोषित कर दिया जाएगा। बस एक बात और याद रखिएगा, अगर इनके पुत्रों की बात करें तो इनके 3 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम तो आपको पता ही है, जो आगे राजा बनेंगे वो आपके उद्योग चंद होते हैं। दूसरे पुत्र जो होते हैं वो आपके पहाड़ सिंह गुसाई होते हैं, और जो तीसरा पुत्र होता है वहां पर केवल कुंवर नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ये अपने राजकुमार को तो कुंवर कहते ही हैं, तो वहां पर केवल कुंवर का नाम अंकित है। और ये कुंवर क्या करते हैं, ये अपने घर से भाग जाते हैं और बाद में साधु बन जाते हैं। यानी कि अब जो राजा आप आगे पढ़ेंगे वो होंगे उद्योग चंद होंगे। तो हम अगली वीडियो में उद्योग चंद के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।